मेरा नाम चेतन धीर है। आज एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मेरी वाइफ के साथ। उनको एक नंबर से कॉल आया, वो कहता है जी आपकी कंप्लेंट आई है, आपका नंबर नहीं चल रहा, आपका नेट नहीं चल रहा। और मेरी वाइफ ने कहा हाँ जी कंप्लेंट है, नेट नहीं चल रहा। और उसने पहली बात बोली है, कहता कोई OTP शेयर नहीं करना आपने मेरे साथ, मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपने मुझे अपना कोई पासवर्ड नहीं बताना, आपने सिर्फ *401* डायल करना है, और जिस नंबर से आपको फ़ोन आया वो नंबर आपने डायल करना है। इसने जैसे ही ये वाला किया *401# और नंबर, वो सारा का सारा इसका डाटा, इसके पासवर्ड, इसकी ईमेल उसको चले गए। अब वो इसके व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, इसकी मेल आईडी यूज़ कर रहा है, और सभी को मैसेज कर रहा है हमें पेमेंट करो, ट्रांसफ़र मुझे चाहिए, और सभी को व्हाट्सएप कर रहा है। और इसकी फ्रेंड्स ने, किसी ने 30,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया उसको हैकर को ट्रांसफ़र कर दिया है। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इस फ्रॉड से बचो। और कोई भी अपने फ़ोन नंबर को, अननोन फ़ोन नंबर को डायल, अननोन फ़ोन नंबर को कम सुनो, और ये वाले फ्रॉड से बचो। मेरा नाम चेतन धीर है। आज एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मेरी वाइफ के साथ। उनको एक नंबर से कॉल आया, वो कहता है जी आपकी कंप्लेंट आई है, आपका नंबर नहीं चल रहा, आपका नेट नहीं चल रहा। और मेरी वाइफ ने कहा हाँ जी कंप्लेंट है, नेट नहीं चल रहा। और उसने पहली बात बोली है, कहता कोई OTP शेयर नहीं करना आपने मेरे साथ, मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपने मुझे अपना कोई पासवर्ड नहीं बताना, आपने सिर्फ *401* डायल करना है, और जिस नंबर से आपको फ़ोन आया वो नंबर आपने डायल करना है। इसने जैसे ही ये वाला किया *401# और नंबर, वो सारा का सारा इसका डाटा, इसके पासवर्ड, इसकी ईमेल उसको चले गए। अब वो इसके व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, इसकी मेल आईडी यूज़ कर रहा है, और सभी को मैसेज कर रहा है हमें पेमेंट करो, ट्रांसफ़र मुझे चाहिए, और सभी को व्हाट्सएप कर रहा है। और इसकी फ्रेंड्स ने, किसी ने 30,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया उसको हैकर को ट्रांसफ़र कर दिया है। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इस फ्रॉड से बचो। और कोई भी अपने फ़ोन नंबर को, अननोन फ़ोन नंबर को डायल, अननोन फ़ोन नंबर को कम सुनो, और ये वाले फ्रॉड से बचो।